आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये परिचर्चा सामान्य रूप से आयोजित की जाने वाली परिचर्चाओं से भिन्न इस अर्थ में है कि यहाँ पर हम तो एक बहुत लंबे भाषण नहीं देना जा रहे, बहुत व्याख्यान नहीं करने जा रहे। यहाँ केवल हम तो दो ही कार्य करने हैं और वो हम सभी को मिलजुल के ही करने हैं। एक तो ये कि हम समस्या को, हम में से प्रत्येक व्यक्ति समस्या को कैसे समझता है, कितने स्पष्ट रूप से समझता है, उसका प्रतिपादन करना। और दूसरा, हमारे पास आगे भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कैसे हम उनके साथ अपना तालमेल बिठाएंगे, जिस तरह की उभरती हुई परिस्थितियां हैं। तो इस सारी बात को ध्यान में रख करके आज की ये परिचर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि विषय से स्पष्ट ही है, आपने इस विषय को देखा है कि कोरोना काल में संस्कृत शिक्षण अधिगम का उभरता परिदृश्य, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये विषय के महत्व को आप और हम और हमारे जो जुड़े हुए छात्र हैं, वो सब इस विषय की गंभीरता को कितना समझते हैं, कितने स्पष्ट रूप में समझते हैं, ये एक विचार करने की बात है। प्लीज आप अपना अभी माइक म्यूट करिए, नहीं तो वो सारी डिस्टरबेंस होगी। विषय को समझने के, जैसे कि मैंने कहा कि दो पक्ष रहेंगे। पहला पक्ष तो केवल हम इस बात पे करें कि हमें समस्या कैसे समझ में आती है, कोई हमें समस्या लगती भी है कि नहीं लगती है। और समस्या बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जैसे आप दुख जो है उसको अगर अनुभव करते हैं तो वो है, अगर नहीं अनुभव करते, महसूस नहीं करते, तो वो नहीं है। तो समस्या भी इसी तरह की, ज्ञान के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, संस्कृत के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो भी ऐसी ही हैं। अगर तो आप इन्हें अनुभव करते हैं, इन्हें महसूस करते हैं, तो ये विद्यमान है, और नहीं करते तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। आप से जबरदस्ती इसको ना तो मनवाया जा सकता है, ना आपको एहसास कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पहले तो हम समस्या को परिभाषित करेंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे बाद जब चर्चा आरंभ हम करें तो सभी व्यक्ति, जैसी भी उनकी समझ है, जैसे भी आपके अनुभव हैं समस्या को समझने के बारे में, अपनी अपनी भाषा में उसको जरूर परिभाषित करें, बहुत संक्षेप में। और दूसरा पक्ष हम जब लेंगे कि इसमें हमारे पास करने योग्य क्या है, या हम कर क्या सकते हैं, और किस प्रकार हमें करना चाहिए, ये सारी बातें हमें जो है वो इसमें देखना होगा। एक सेकेंड सर। हाँ जी गुप्ता जी, नमस्कार सर। बस सर, मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ, मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, फिर करता हूँ। अब इसमें आप आ जाइए कि जो, इससे पहले कि मैं उन सारी चर्चाओं की ओर जाऊं और उन समस्याओं की ओर जाऊं, लेकिन एक व्यापक प्रश्न जो मैं अक्सर संस्कृतज्ञों के साथ साझा करता हूं, और उस विषय में मेरी हमेशा ही रुचि रहती है, कि हम वयम संस्कृतानुरागिण, हो सकता है कि जो संस्कृत से सीधे सीधे नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसका अर्थ मैं संक्षेप में बता देता हूं कि संस्कृत के प्रति स्नेह रखने वाले जो लोग हैं, वो अपने लिए किस प्रकार के भविष्य की परिकल्पना करते हैं। ये पहला प्रश्न है। जो संस्कृत पढ़े लिखे हैं, मैं जानते हैं, उस उनके लिए नहीं कह रहा, वो स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग किस तरह का भविष्य देखते हैं, किस तरह की वो परिकल्पना करते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, कमर्थम पालयितुम रक्षितुम वा वयम बद्धातरा, कि किस विषय को, किस तत्व को हम रक्षा करना चाहते हैं, उसको पालना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। और तम अर्थम कस्यार्थे कति काल पर्यंतम रक्षणाय वयम दृढ़ व्रता वर्ता, और उस तत्व को, उस जो विषय है, उसको कब तक हम बचा करके रख सकेंगे, कब तक हम उसकी रक्षा करें, और जिसके लिए हम इतने आग्रहशील हैं।
और तीसरा जो प्रश्न है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अस्माकं विचार प्रवणताया वर्तमान काल वर्तिना याथार्थेन सह कीदृशः संबंधः। हम जो विचारशील अपने आप को कहते हैं, मानते हैं और शास्त्र ज्ञानी अपने को समझते हैं, तो उसका हमारे आज के वर्तमान कालिक जो यथार्थ है उससे हमारा क्या संबंध है, हमारे शास्त्र ज्ञान का और जो हमारे पास यथार्थ है, जैसे कोरोना काल ये एक यथार्थ है, इससे क्या संबंध है, और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं तत्प्राप्तो जो कीर्तम चास्माकम योग्यता क्षमता, उनको समझने में और समझाने में हमारी कितनी योग्यता और कितनी हमारी क्षमता है। और अंतिम जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अस्माकं विवेकवती संवेदनाया अद्यतनीन शिक्षा किं किं साधयितुं क्षमा, कि हमारी जो संवेदनशीलता है और जो आधुनिक शिक्षा है वो उससे हम क्या सिद्ध कर सकेंगे। और ये जो बात है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अगले साल से 21 में जो है वो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो डॉक्यूमेंट सभी ने पढ़ भी लिया होगा, और उसमें दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके और हम फिर विषय की ओर आएंगे। एक तो इसमें जुड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रिफॉर्म्स में जो आ रही है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो है, आप जानते हैं मैंने इसमें विषय में कह रहा। और दूसरा जो है क्रेडिट ट्रांसफर, ये भी बात जो है ये प्रभाव डालेगी संस्कृत के विषय के ऊपर। रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, ऑटोनमस डिग्री कॉलेजेस, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर प्रभाव डालेंगी। और अंतिम जो चीज है जहां पर हम लोगों को विचार करना होगा कि मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, वहां पर हमारा रोल क्या होगा। तो इस तरह से ये जो नई शिक्षा नीति है और जो वर्तमान कालिक हमारी जो चीजें हैं उनके विषय को ध्यान में रखते हुए, और प्लस जो ये आपको मैं एक और भी चीज दिखा दूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 2018 में जो नई उसमें रिफॉर्म्स लाए थे, उसमें आप अपनी स्थिति को भी जरूर देखें कि ऑटोनॉमी के ऊपर वो जोर दे रहे हैं, हालांकि ऑटोनॉमी लेना कोई कॉलेज नहीं चाह रहा एक्सेप्ट दो तीन कॉलेजेस को छोड़ करके, और फिर हर विषय के बारे में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की उसमें बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की ऊपर बड़ा जोर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत जोर है, और जो अंतिम बात है उसमें इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ एक विषय हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ वर्षों से हमारे ऊपर एक तरह का दबाव बना रही है, करने के लिए कह रही है। ये तो है सारा का सारा एक पक्ष जिसे मैं आप लोगों के साथ रखा है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो एक संक्षिप्त सी बात है और सीधी अपनी दृष्टि में आने वाली बात है जिससे आप रोजमर्रा के जीवन में जिससे प्रभावित हो भी रहे हैं और जिसको आपको रोजमर्रा में आपको उत्तर और प्रत्युत्तर भी देने पड़ते हैं, वो है कि जो अब सारा का सारा जोर आ गया है कि ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो इस ऑनलाइन टीचिंग में संस्कृत के लोग या संस्कृत के विषय से संबंधित लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जानकारियां कितनी हैं और किस रूप में वो इस सारी समस्या को देखते समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल इतना ही नहीं है कि भाई आपने केवल एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल मीट पे कर लिया, आपने वेबएक्स पे कर लिया या दूसरे अन्य विषयों पे कर लिए, केवल उतने से क्लास लेकर के आप कहें कि हमने तो पढ़ा दिया, या आपने व्हाट्सएप पे लेक्चर्स अपने फोटो क्लिक किए और डाल दिए, ये उतने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस शुरू होंगी, एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे, वहां पर अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आएगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो फोटो खींची थी और नोट्स बच्चों को डाल दिए और बच्चे पढ़ते नहीं या बच्चे नहीं जुड़ सकते, ये आपके लिए बहाना ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। दूसरा पक्ष जो है वो लर्निंग वाला है कि जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस लर्निंग के दो अर्थ हैं, एक तो जो स्टूडेंट्स के साथ संबंधित हैं कि उनको आप कैसे पढ़ाएंगे ऑनलाइन टीचिंग जिसे आप कह रहे हैं, और दूसरा पक्ष है कि जो
ऑनलाइन टीचिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, जो मूडल आदि के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप कैसे प्रयोग करेंगे संस्कृत के लिए? मैं अपनी बात अपने एक दो अनुभव बता करके उसके बाद मैं ये चर्चा सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ। मैंने दो चार जो FDP के कोर्सेज लगाए हैं उनमें मैंने एक दो समस्याएं जो देखी, एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि जितने सॉफ्टवेयर्स सिखाए जा रहे हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के द्वारा या सॉफ्ट स्किल्स के लोगों के द्वारा, उसमें कहीं पर भी आप हिंदी या संस्कृत में टाइप करने की सुविधा उसमें नहीं, वैसी नहीं है जैसे आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती संस्कृतज्ञों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी आने वाली है कि वो किस तरह से अपने विषय को वहाँ प्रस्तुत करेंगे, कैसे टाइप करेंगे, किस तरह से उसको वहाँ पर लाएंगे। नंबर दो कि आप को जो भी सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं उनमें से एक भी मुझे अभी तक ध्यान पड़ता है सॉफ्टवेयर इस दृष्टि से नहीं सिखाया गया कि आप अपने विषय में उसको कैसे प्रयोग करें। वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं इस बात को कह करके कि ये तो आपने देखना है, हमारा काम तो केवल आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना था, अब आप देखिए कि आपने कैसे करना है। अब अलग अलग विषयों के लोगों के अलग अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं। विज्ञान में वहां पर एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो विषय को प्रवर्तन कर सकते हैं, आपने 2 + 2 लिखा इज़ीक्वल टू 4 लिख दिया, कहानी खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा हायर मैथमेटिक्स है या हायर फिजिक्स की चीजें आती हैं वहां पर आपको टाइप करना पड़ेंगे और चीजें आप करते हैं, लेकिन व्याख्याएं अपेक्षित वहां नहीं है, वहां पर आपके लिखे हुए जो चीजें हैं वो लिखने के लिए सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर हैं वो उपलब्ध है। आपकी जो समस्या, जो आर्ट्स में आने वाली समस्या है, और मुझे पता नहीं कि कितने लोग जो है वो इस बारे में सजग हैं, जो जुड़े हुए हैं लैंग्वेजेस के साथ, पर्टिकुलरली लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ, जहां पर आप भावों को प्रकट तो कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन लिख करके नहीं आप बता सकते। कालिदास के श्लोकों को बताते हुए आप उनका अर्थ करना एक अलग बात है, लेकिन उसके जो उसके पृष्ठभूमि है, उसका जो भाव है, उसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं। अब कहने के लिए हो क्या रहा है कि एक तरह का इन सॉफ्टवेयर्स को सिखाने वालों का, बनाने वालों का एक पूरा एक लॉबी तैयार हो रही है, जो विशेष प्रकार से हर किसी पे, हर कॉलेज पे ये दबाव बनेगा कि आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करवाएं। और कमाल की बात ये है कि जब DHE डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने कुछ सुझाव मांगे थे जो कि टीचर्स तक नहीं पहुंचे, ना उनके साथ शेयर किए गए, ना सर्कुलेट किया गया, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि आप बताएं कि किस तरह से जो है टीचिंग लर्निंग जो है उसको आप सभी के लिए सुविधाजनक और सरल बना सकते हैं। तो मैंने जो अपने सुझाव भेजे थे उसमें तीन बातें ही लिखी थी, बीच में ये एरोप्लेन की थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर भी मेरी सारी बात सुन पा रहे होंगे। और कृपया स्क्रीन शेयर मत कीजिए, अगर कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो प्लीज अपने स्क्रीन पे ड्रॉ कर लीजिए, अन्यथा बाकी लोग फिर देख नहीं पाएंगे। उसमें मैंने जो तीन सुझाव दिए थे, एक तो ये कि हर टीचर को ये स्वतंत्रता हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता है, आप वेबएक्स कर लीजिए, आप जूम कर लीजिए, आप गूगल मीट कर लीजिए, आप जियो मीट कर लें, जो भी चाहें उसको करें, सरलतम रखें ताकि उस चीज का दबाव ना पड़े आप पर। नंबर दो कि आप अपना विषय जो है वो केवल मात्र जो है पावर पॉइंट तक रखें। मेरा कॉलेज जो है वो एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता है, जो फ्लाइट का पाथ है वो हमारे फ्लाइट के पाथ में ये पड़ता है, तो इसलिए ये बीच में एरोप्लेन्स की कई बार डिस्टरबेंस रहेगी। दूसरा जो मैंने सुझाव रखा था वो था कि टीचर को कि दो तरीके से वो अपना विषय प्रस्तुत करे,
एक या तो वो वर्ड की फाइल में ले आए, जैसे हम संस्कृत के या हिंदी के लोग हैं या इंग्लिश के भी लोग हैं, कि अपना जो पूरे का पूरा नाटक है उसको हम वर्ड में कॉपी कर दें और करके उसको हम शेयर करें बाकी लोगों के साथ। दूसरा तरीका है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ पावर पॉइंट बनाई हैं, मान लीजिए किसी नाटक को आप समझाना चाहते हैं, किसी विचार को आप समझाना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, तो आप वहां पर इस तरह से पावर पॉइंट के माध्यम से उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं। ये दूसरा विचार था। तीसरा जो मैंने सुझाव दिया था वो ये सुझाव भेजा कि मान लीजिए कि हम ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए आप जो गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जाकर के जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म भी डाल सकते हैं और लॉन्ग वाले भी डाल सकते हैं, और सारे के सारे आपके पास उनके रिजल्ट आ सकते हैं, आ जाते हैं, आपकी ईमेल पे सारा का सारा आ जाएगा। तो अगर ये तीन चीज़ें हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि संस्कृत टीचिंग के लिए, हिंदी टीचिंग के लिए, पंजाबी के लिए ये चीज़ें बड़ी सरल हो जाएंगी। लेकिन हो क्या रहा है कि सारा का सारा जो दबाव पड़ेगा और जो उसको स्टैंडर्डाइज करने का कि सारे की सारी टीचिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज की जाए, उसमें क्या होगा कि आप पहले अपने जो है सब्जेक्ट का या अपना जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको बीएड की फॉर्म में, बीएड के जो लेक्चर्स होते हैं कि पहले आप टॉपिक लिखेंगे, फिर उसके जो सब पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो सारे का सारा जो जोर पड़ने वाला है वो सारा का सारा जोर इस बात पे होगा कि आप बीएड की तरह जो है इन विषयों को, अपने अपने विषयों को पढ़ाएं। और मुझे लगता है कि उससे बहुत नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपका सारा जोर टेक्निकल एस्पेक्ट पे तो चला जाएगा, लेकिन जो एक इनोवेशन होती थी, जो एक स्फूर्तता होती थी पढ़ाने में, चर्चा करने में, बातचीत करने में, वो समाप्त हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मूडल का प्लेटफॉर्म है, आप मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसको प्रयोग किया है या उसके साथ संबंधित हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को होना ही पड़ेगा, विशेष रूप से जितने बड़े कॉलेजेस हैं उनको तो मूडल के ऊपर आना ही पड़ेगा। और मूडल को जब आप करते हैं तो आप उसमें देखिए कि सारी की सारी जगह आपको इतने सारे क्लिक्स करने पड़ते हैं कि आप अपना विषय भूल जाते हैं और केवल आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, आपका आपकी ट्रेनिंग इस तरह की हो जाती है कि ये वाला खाना भर दिया, अब ये वाला खाना भर दिया, अब ये वाला खाना भर दिया, और जो आपके विषय की जो एक फ्रेशनेस है, आपके विषय की जो फ्लेवर है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। और ये एक अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कठिन बात है, आवश्यक होगी निश्चित रूप से, जो लोग इसको कर रहे होंगे, करवा रहे हैं, उन लोगों ने सोचा होगा, निश्चित रूप से अच्छा ही सोचा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन सारे तरीकों को कि किस तरह से इसको पढ़ाया जाए वो कौन डिसाइड कर रहे हैं? वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं या जो कंप्यूटर के लोग हैं, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जो कभी टीचर से ही नहीं पूछते कि आपके विषय को पढ़ाने में आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आप इस सारे को पढ़ाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो डायलॉग और संवाद नहीं है। और हमेशा से यही होता आया है कि चीजें थोप दी जाती हैं और टीचर को वो करना पड़ता है, टीचर से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम बताओ कि तुम लोग कैसे करना चाहते हैं। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, मैंने ये कुछ एक अभी बातें आपके साथ साझी की हैं, इसके बाद मैं कुछ और भी चीजें आपके साथ साझा करूंगा, और भी कुछ एक विषय साझा करूंगा कि इन विषयों को हम किस तरह से करें और क्या इन विषयों के बारे में हम अपने लैंग्वेजेस के लोगों के लिए या लैंग्वेजेस लिटरेचर के लोगों के लिए FDP लगाएं, किस तरह से लगाएं, किस तरह से उनको प्रेरित करें, और हम ये भी देखें कि इस जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें हम संस्कृतज्ञों की या भाषाविदों की जो है वो भूमिका क्या होगी आने वाले समय में, जब ये अगले वर्ष नई शिक्षा पॉलिसी लगेगी, तो वहाँ पर एक और बहुत बड़ी चुनौती जो आने जा रही है जिससे सभी लोग बचते रहे हैं वो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। आपके विषय इंटरडिसिप्लिनरी कैसे होंगे? संस्कृत का व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी वाले से कैसे बात करेगा या उस विषय के साथ किस तरह से तालमेल बिठाएगा?
या फिजिक्स का व्यक्ति जो है वो म्यूजिक की जो साउंड थ्योरीज हैं और इधर की जो साउंड थ्योरीज हैं उनके साथ वो किस तरह से अपना तालमेल बिठाएगा, उसके लिए अभी टीचर्स को ट्रेन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। ट्रेन करने का मतलब बल्कि ये है कि पहले उनको अपनी डी कंडीशनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद इस बात के लिए अपनी कंडीशनिंग करनी होगी कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है और किस तरह से उसको किया जाए। अभी तो सब सारे टोटल एजुकेशन सिस्टम की ये दिक्कत है कि एक विषय का व्यक्ति दूसरे विषय के व्यक्ति के साथ कुछ भी साझा नहीं कर पाता, दुनिया भर की बातें हो लेंगी, चाय पर बातें हो जाएंगी और सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री का व्यक्ति फिजिक्स के व्यक्ति के साथ बैठा है तो वो विषयगत बात नहीं करेगा, वो दुनिया भर की बातें कर लेगा। पॉलिटिकल साइंस का आदमी संस्कृत के व्यक्ति के साथ बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, वो और दुनिया भर की बात कर लेगा। तो ये जो खांचे बन गए हुए हैं, ये जो छोटे छोटे से दड़बे बन गए हुए हैं कि अपने अपने कुएं में सारे के सारे बैठ गए हैं और कोई किसी के साथ ज्ञान चर्चा नहीं करता, जबकि ज्ञान का मतलब तो यही था शेयरिंग, और टीचिंग कम्युनिटी में स्वयं में आपस में शेयरिंग नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ी भारी त्रासदी है। और पिछले लगभग 20-22 वर्षों में मैंने ये देखा है कि कभी भी इस विषय की ओर ध्यान ना तो गवर्नमेंट का गया है, ना प्रिंसिपल्स का गया है, और टीचर्स का तो बिल्कुल ही नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो पॉलिसीज हैं और ये जो उभरता हुआ टेक्नोलॉजी है, तो इन दो के बीच में आज का दिन है कि मुझे लगता है कि हम इस दोनों बातों को ध्यान में रख करके जो है हम अपनी चर्चा आरंभ करें। तो मुझे लगता है कि देखते हैं कोई दिशा निकले तो बहुत अच्छी बात है, कुछ हम निष्कर्षों पे पहुंच पाए, कुछ सुझावों तक पहुंच पाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं भी निकल पाते या नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है हमारे लिए, कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम प्रयास करने जा रहे हैं, तो सफल होते हैं कि नहीं होते ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि क्या हमने चर्चा की, क्या हम विषय को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी लोगों को कि आप लोग एक एक करके अपने वीडियोस बेशक ऑन कर लीजिए, आप सभी लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ज्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियोस ऑन करके और एक एक करके पहले तो समस्या के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी समझ क्या है, मैं समझता हूँ उस विषय पर एक बार हम सभी बात कर लें और फिर उसका समाधान क्या है वो दूसरे पार्ट में, दूसरे पक्ष में हम लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय को अब हम ओपन करें और हम सभी लोग जो है इस विषय पे चर्चा आरंभ कर सकते हैं। तो जो भी आप में से पहले बोलना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है हमारे साथ, और मैं समझता हूं कि जो भी शुरुआत करना चाहे, सबसे पहले तो यही है कि समस्या क्या है, क्या हम समस्या को समझते हैं, हमारी समस्या के बारे में कुछ समझ क्या है कि इस वक्त हमारा विषय और जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें टीचिंग और लर्निंग इन दोनों चीजों को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, या क्या समझते हैं इस विषय में, आपके विचार में जानना चाहूंगा। तो निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के आप अपनी बात हमारे साथ साझी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप अपनी बात आरंभ करें, जो भी करना चाहें बिना संकोच के आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी सर। जी, मैम राजेंद्रा जी, पहले राजेंद्रा जी। हाँ जी जी हाँ जी सर, एक चीज तो ये है कि समस्या तो है ही, इसको सब जानते हैं, कह मैडम, देते हैं कि नहीं इसमें समस्या कोई समस्या समझते नहीं है। नहीं है, देखिए महसूस नहीं, अब मैं एक बार हम समझते हैं सर। सर मैं कहना चाहती हूँ सर, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे हम कह सकें कि ये समस्या है, सब समस्या समझते हैं लेकिन समस्या को जिसको समझना है वो नहीं समझता है सर। समाधान कहाँ से आएगा सर? हम तो आप मुझे क्रांतिकारी नहीं कहना, क्योंकि मैं बहुत खुद बहुत अवसाद, जिसको कहते हैं ना सर, अवसाद और निराशा में हूँ इस बात को लेके, क्योंकि हम मैं इतनी समझ बड़ी सकता समस्या सर, इतनी बड़ी समस्या रखते हैं। आपको पता है सर, डीएचई को कम्बिनेशन बना के दिए किसने दिए? कॉलेज ने ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इससे
इससे थोड़ा सा बाहर है तो संस्कृत संस्कृत का होने के नाते उसी की बात कहूंगी। संस्कृत टीचिंग के साथ और रंगिंग के साथ बहुत संबंधित है सर। सर आप देखो, आपको पता है सर क्या कम्बिनेशन गया, आपसे पूछा गया सर? नहीं पूछा गया ना, किसी से नहीं पूछा गया सर, किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन चूंकि बाकी सब नहीं पड़ेगा, संस्कृत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हम भी जानते हैं। किस प्लेटफॉर्म से कहें और कैसे कहें, एक आधे आदमी की तो कोई बात नहीं सुनता। ये देख ले, समझ इस सब पहले सर आप कुछ ऐसा सर जिससे कि हम अपनी बात को खासकर संस्कृत के लिए कम से कम आपस में तो कहें ही, और जहां हमें पहुंचाना है उसके लिए कोई एक नेता कह दूं, नेतृत्व तो होगा भी आवश्यक है। पहली बात तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम हर बार समस्या देखते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, पर सर वो पहुंचती ही नहीं है हमारी समस्या। समाधान तो सर बाद में आएगा ना, हम सर जी बिल्कुल समाधान नहीं, समाधान की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले तो समस्या है, समझ तो रहे हैं लेकिन परिभाषित कैसे करें उसको। तो चलिए नमस्कार जी, मैं संस्कृत का तो विद्यार्थी रहा भी नहीं हूँ, दर्शन का विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए इस विषय में मैं विशेष प्रकाश डालने में असमर्थ हूँ। लेकिन दो बातें आपके आख्यान के क्रम में जो स्पष्ट हुई, पहली बात वह कि हाउ वी कैन स्टार्ट द इंट्राडिसिप्लिनरी पोर्टल्स, एंड दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी मैन फॉर अस, बिकॉज की देर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी शेयर्ड वेरी इजिली टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और मैं आपको बताता हूँ, मैं नालंदा में था, हमने बुद्धिज्म और विज्ञान पर एक नियमित रूप से 10 वर्षों तक जी वर्कशॉप स्टार्ट किया, और हमने देखा कि बहुत सारी बातें कॉमन है जिसे हम अपने आप में शेयर कर सकते हैं। और जैन दर्शन कहती है एको भाव सर्वथा ये न दृष्टः, सर्वो भाव सर्वथा ते न दृष्टः। तो अगर हम अपने इस एकांतिक दृष्टि का परित्याग कर हम अगर बहुआयामी दृष्टि को ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उतना मुश्किल नहीं होगा हमारा जो है इस नए टेक्नोलॉजी के साथ स्वयं को अभियोजित करने में। ये प्रारंभिक असुविधाजनक स्थिति अवश्य है, लेकिन धीरे धीरे द थिंग्स विल हैपन, बिकॉज की वट एवर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू से कि ये सारी समस्याएं हमारे मस्तिष्क में है, और ये मस्तिष्क में द मोमेंट वी थिंक कि वी कैन डू इट, आई थिंक द थिंग्स विल कम इजियर एंड ईजियर। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेमिनार। यहाँ पे मैं दो बातें रखना चाहूंगा कि दो प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है, एक जो शिक्षक के तरीके से है, जनरल शिक्षक के तरीके से, और दूसरी संस्कृत सिखाने में। अगर हम ये समस्याएं जो है ये अलग अलग करके उनका एनालिसिस करके उनके साथ डील करें तो हम लोग इसमें ज्यादा अच्छी तरह से वी कैन गो फॉरवर्ड इन दिस। कि एक तो पहले हम लोग ये देखें कि शिक्षकों को आने वाली समस्या, और दूसरी संस्कृत शिक्षकों को आने वाली समस्या। जैसे कि आपने बताया कि कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर संस्कृत में उस तरह से हम लोग नहीं लिख पाते जिस तरह से अंग्रेजी में लिख पाते हैं, ये हो गई संस्कृत की समस्या। और शिक्षक की समस्या ये हो गई कि जिस तरह से मैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर सकता हूँ उस तरह से नहीं कर सकते ये माध्यम के अनुसार। ये अगर हम लोग देखें और उसके आगे जाए तो अपने को समस्या हल करने में थोड़ी सहूलियत होगी, ये मेरा एक कहना है। दूसरी बात आ गई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, कि जब तक मेरे हिसाब से ये थोड़ी आपको क्रांतिकारी लगेगी, जब तक संस्कृत के शिक्षक अपने को अंग्रेजी के शिक्षक से कंपेयर करेंगे या मराठी के मराठी हिंदी भाषाओं के शिक्षकों से कंपेयर करेंगे तब तक संस्कृत की ग्रोथ नहीं होगी। संस्कृत इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट इज अ कल्चर जी, और उसमें काफी चीजें जुड़ी हुई है। अगर इसकी ताकत का एहसास अगर संस्कृत के शिक्षकों को नहीं है तो और किसे हो सकता है? वो दूसरे को एहसास करा नहीं दे सकते, क्योंकि आज तक मैंने कई लोगों को सुना है आषाढ़ से प्रथम दिवसे बोलते हुए कालिदास के जो रचना है, मगर ये आषाढ़ का पहला दिन
उसको काला मेघ दिखाई देता है। कालिदास ये जो है वो रामटेक का रहने वाला है, रामटेक या नागपुर का, मध्य भारत का रहने वाला है। उसे उस जमाने में आषाढ़ के महीने में पहले दिन में एक काला मेघ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो वर्षा ऋतु का आरंभ है जी। और ऐसी बात नहीं है कि वो टाइम कुछ अकाल पड़ गया कि पानी ही नहीं आया, वो तो वर्णन करता है कि सब ख्याल खुशहाल था। इसका मतलब है जिन दिनों में आषाढ़ बारिश के पहले का महीना होता था वो ये काल है। इससे हम लोग कालिदास की जो काल गणना है वो करीबन 2000 सालों के पहले ले सकते हैं। ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जी। मगर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तभी आएगा जब आपको कुछ एस्ट्रोनॉमी की जानकारी होगी, कुछ संस्कृत की जानकारी होगी, कुछ कालिदास की जानकारी होगी, और ये तीनों आप इकट्ठा कर सकेंगे, तभी ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आएगा। और ये अपने तरफ से ही जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षक अगर नहीं है तो उसको आषाढ़ से प्रथम दिवसे और श्रावण से प्रथम दिवसे उसमें कोई फर्क ही समझने वाला नहीं है। दिस इज द वे शुड गो। इसलिए हम लोग, मुझे लगता है कि संस्कृत शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और हम लोग ने इसके आगे संस्कृत को लैंग्वेज के तौर पे कम और कल्चर के तौर पे ज्यादा हम लोग ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। बहुत सही कहा है आपने और बड़ा सही विश्लेषण है। जिम्मेदारी तो हमारी ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि कितने संस्कृत के लोग उत्सुक हैं नई चीजों को सीखने में। टेक्नोलॉजी जबरदस्ती सीखने एक बात है कि क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उत्सुकता पूर्वक उसको सीखना और फिर उसको व्यवहार में लाना ये दूसरी बात है। आप अभी भी देखें कि बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शिक्षक हैं और विशेष रूप से यूनिवर्सिटीज में जो खुद इन टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल यूज नहीं करते और अभी भी यूज नहीं कर रहे, उनको साथ में एक सहायक चाहिए। अब ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो कहां पर हम लोग खड़े होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़े दुख से मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एक संस्कृत विश्वविद्यालय में जब ये FDP लगा रहा था, और ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी साझी की थी, और वो संस्कृत विश्वविद्यालय जो है FDP आयोजित कर रहा है, और उसमें 3 दिन की जो FDP लगी उसमें सारे सॉफ्टवेयर सिखाए गए, लेकिन उसमें संस्कृत के बारे में एक भी शब्द की बात नहीं की गई। अब आप मुझे बताएं कि संस्कृत विश्वविद्यालय उस FDP को लगा रहा है और उसमें, और क्रेडिट अब कौन लेगा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये करवा दिया, जबकि उसमें संस्कृत वालों के लिए कुछ नहीं था, वो सभी तरह के लोग थे, लेकिन पढ़ाया किन्होंने, पढ़ाया कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो प्रोफेशनल्स थे। ये पढ़ाना संस्कृत विश्वविद्यालय को अगर FDP लगानी थी तो संस्कृत के अध्यापक, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की यह जिम्मेदारी बनती थी, कुलपति की यह जिम्मेदारी बनती थी कि अपने टीचर्स को पहले ट्रेन करते, वो हम लोगों को आगे पढ़ाते कि देखो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुम कालिदास को ऐसे पढ़ाओ, तुम दर्शन को ऐसे पढ़ा सकते हो, तुम इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको कैसे हैंडल करेंगे मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो हम केवल समस्याओं को पहचाने और समस्याओं को परिभाषित करें। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, जो मास कम्युनिकेशन से हैं, लेकिन संस्कृत के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा है, तो वो अपना वक्तव्य देना चाहते हैं जी। प्रदीप जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सार संक्षेप में ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि बदलती परिस्थितियों में चुनौतियां सिर्फ संस्कृत के सामने हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी विषयों के सामने चुनौतियां हैं अपने तरीके की, सब उससे निपटने के लिए रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। मेरे विभाग में सभी शिक्षक आपस में विचार साझा करते हैं कि इस चीज को सिखाने के लिए हम ये तरीका अपनाएं। बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं आती, वो दूसरे से सीख रहे हैं, डायरेक्टर मैडम भी कहीं कहीं से चीजें सीख के डेली हमें बता रही हैं, आपस में आइडिया एक्सचेंज चल रहा है। दूसरी बात, ये बात यहीं तक, मेरी वाइफ का विषय है स्पोर्ट्स का, वो स्पोर्ट्स टीचर है। स्पोर्ट्स टीचर को ऑनलाइन बच्चों को घर बैठे एक्सरसाइज कराना, ये कराना कितना मुश्किल है। वो लोग भी दिन रात अपने आप मेहनत कर करके अपने तरीके इजाद कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप ये समझिएगा कि सभी विषयों के सामने चुनौती है और
किसी की भी समस्याएं परिभाषित नहीं है और किसी के निदान भी तुरंत परिभाषित नहीं है, और सभी ऐसा नहीं है कि सभी अपने टेक्नोलॉजी से जुड़े समस्याओं के तुरंत निदान जानते हैं, अपने अपने तरीके से हल कर रहे हैं, बल्कि अपने तरीके से रास्ते खोजने में आप और भी आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी रास्ता नहीं निकाल पाएंगे, संस्कृत के लिए भी निकल जाएगा। तो मैं विस्तार बात को नहीं दूंगा, आगे आशुतोष जी चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत सटीक और संक्षिप्त टिप्पणी के लिए और प्रश्न के लिए। बात तो है, ये तो ठीक है कि हम सीख लेंगे, समय के अनुकूल अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं और उसमें हम कोई ना कोई रास्ता धीरे धीरे निकाल लेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर निकालेंगे। लेकिन ये जो युग है, ये जो टेक्नोलॉजी की एज है, इसमें तो ये बड़ी भारी चुनौती है कि आपको एक साथ सबको प्रशिक्षण भी देना है, एक जैसा करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा सही रूप में विश्लेषित करना होगा। डॉक्टर पूनम घई जी हमारे साथ जुड़ी हुई। हाँ जी, सभी को नमस्कार। सर मैं आ रही हूँ, आवाज स्पष्ट आ रही है सर? मैं संस्कृत को और वाइड करके सीधे साहित्य में लाऊंगी। और सर ये बताना चाहूंगी कि आज भी मेरे फादर के पास जितना कुछ बताने के लिए रहता है वो मेरी पूरी नौकरी से मैं नहीं बता सकती। उन्होंने सर बीएससी 50s में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था और साइंस के स्टूडेंट थे। पूरे अप स्टेयर्स भरे रहते थे जिस समय हरिवंश राय बच्चन जी या फिराक साहब का लेक्चर होता था, तो साइंस के स्टूडेंट्स होकर के भी ये लोग उन लेक्चर्स को सुनते थे। सर टीचर की इतनी डेप्थ होती थी क्योंकि वो साहित्य विषय का होता था और तब स्टूडेंट्स बढ़ते थे। आज मेरे पास 10 स्टूडेंट्स को भी मुझे पकड़ना पड़ता है। पहले तो कॉलेज गेट पे उस बच्चे को चार लोग कहने वाले ये होते, अरे संस्कृत लेगी तू, संस्कृत लेगा, बड़ा भारी है, क्या करेगा संस्कृत लेके, पहले तो उसको वहां रोका जाता है। फिर वो बच्चा बेचारा जब आता है तो वो मेरे से ये शर्त रखता है कि मैडम हम पढ़ने तब आएंगे जब हम हफ्ते में 2 दिन ही आ सकते हैं, हमें गाँव में काम करना होता है, हमें ये करना है वो करना है। चलिए सर, वो मानते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं सामग्री। ऐसे में जब आप साहित्य को बांध दे रहे हैं कि आप 6 घंटे 7 घंटे की खुद की प्रैक्टिस करके पीपीटी इत्यादि का इंतजाम करके और तब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सर हम कैसे पढ़ा सकते हैं? मुझे आज भी याद आता है कि मेरे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए प्रोफेसर लक्ष्मीकांत भी आए थे, रिटायर्ड प्रोफेसर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी HOD। सर उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोलने दिया था, प्रारंभ में ही उन्होंने ये कह दिया कि इन बालकों से कुछ सुनना सूरज के आगे दीपक जलाने वाली बात है। और सर उर्दू संस्कृत और अंग्रेजी का जो धुरंधर उन्होंने अपनी बातें और अपने साझा किए अपने अनुभव, तो सर एक साहित्य के टीचर की तो ये डेप्थ होती है। कहीं ना कहीं अगर हम डेप्थ से निकल जाएंगे सर तो इसको भी फिर हम इंजीनियरिंग की तरह और बीएससी की तरह टेक्निकली फिर हम पढ़ाते रह जाएंगे। साहित्य विषय अलग है सर, माफ कीजिएगा, मैं साहित्य को बहुत अलग लेके चलती हूँ। मुझे आज भी याद है सर कि जब हम पढ़ते थे तो वो पतली लाइट ग्रीन कलर की कॉपियां फाइल्स होती थी, शिक्षक की तरफ हम देखते रहते थे और नीचे हमारा पेन चलता था, हमारी इतनी स्पीड थी। और सर टीचर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ ले जाते थे, मुझे आज भी याद है, वो प्रश्नों में आपकी तरह भटका देते थे और फिर हम सारा दिन चिंतन करके सोचते थे कि अगर सीता जिद कर रही है कि मुझे भी राम के साथ जाना है तो क्या इनको भय है कि कहीं राम परनारी के संपर्क में ना आ जाए, या ये मांडवी के अधीन रह करके रानी होके नहीं रहना, तो इतने विचार वो लोग देते थे। तो सर साहित्य तो ऐसा विषय ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। यही मैडम, जिस ईमानदारी से आपने ये बात कही है वाकई प्रशंसा के योग्य है। वस्तुतः स्थिति हम सबकी ऐसी ही है, जैसे डॉक्टर राजेंद्रा भी कह रही थी कि संस्कृत के एक तरफ तो बैक स्टैबिंग तो है ही है, नाम सभी संस्कृत का लेंगे लेकिन संस्कृत के लिए कुछ करेंगे नहीं, और दूसरा संस्कृत के लोग स्वयं कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं है, तत्पर नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब जैसे कि मैं अभी पीछे हमने वेबिनार किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो संस्कृत वालों की कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी उसमें, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? या मैं तो कहता हूँ अभी जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया जी, एक सेकंड मैम, स्वच्छता अभियान चलाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि संस्कृतज्ञों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए? संस्कृत का है लेकिन उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं,
अब ये वो भी ये भी एक पक्ष है और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपने विषय के साथ हम तालमेल उसका बिठाएं, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। मैडम राजेंद्र कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ जी मैम। मैम राजेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम राजेंद्र चलिए शायद आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर ठीक है झा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज देख लिया ना आपने? हाँ जी हाँ जी कहिए। मैं डॉक्टर सी के झा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर सी के झा जी या कोई और सज्जन कोई इस समस्याओं के बारे में कोई बात करना चाहेगा कुछ परिभाषा? मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं बराबर सुनता रहता हूं कि संस्कृत एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर लैंग्वेज का स्वरूप ग्रहण कर सकती है एंड इट कैन रिप्लेस ऑल द लैंग्वेजेस बिकॉज इट हैज द मोस्ट टेक्निकलिटी। वो तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसलिए मुझे भी स्पष्ट लगता है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों का यह दायित्व तो बन जाता है कि हम इसे इस प्रकार विकसित करें कि हम कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाए, एक कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में अपने आप को अगर स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इसके साथ संस्कृत और संस्कृति दोनों का विकास संभव। चूंकि ये बात बाहर के लोग किया करते हैं और मैं चूंकि दर्शन का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत मेरा विषय नहीं है लेकिन दर्शन में रहने के कारण संस्कृत से मेरा नाता लगा हुआ रहता है, तो इस कारण कभी कभी मुझे लगता है कि अगर संस्कृत को हम ज्यादा विकसित करते हैं विदेशियों के परिप्रेक्ष्य में जो बराबर कंप्यूटर लैंग्वेज की योग्यता इसे बताते हैं तो मैं समझता हूँ कि इट कैन बी ऑफ मच हेल्प टू संस्कृत एंड आवर कल्चर एज वेल। जी बात अविनाश जी बिल्कुल सही है लेकिन किसी भी संस्कृत के व्यक्ति के किस तरह से कंप्यूटर के लिए वो उपयोगी है, बहुत हद है पाणिनि का नाम ले देंगे लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोग्रामिंग करने की प्रक्रिया क्या है, एल्गोरिथम्स बनाने की प्रक्रिया क्या है और उसमें टैगिंग और पार्सिंग कैसे की जाती है, इन विषयों में कोई उत्सुक ही नहीं होता। देखिए ना कि जो हमें अपने सिलेबसेस को अपने पाठ्यक्रमों को बदलना चाहिए था, नई बातें ऐड अप करनी चाहिए थी, वो करने के लिए कहीं पर उत्सुकता ही कर देते हैं। हाँ जी सर एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी मैम। हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम। हाँ जी सर बात ये वही तो मेरी बात भी वही आ जाएगी उत्सुकता वाली। सर हमने शुरू में आपको याद हो कंप्यूटर के साथ बहुत कुछ कोशिश करने की कोशिश की, इसको इंटरडिसिप्लिनरी जब आप कहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर के साथ ही करें सर इसको। जी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं सर, हम कह के चुप हो जाते हैं, कितने सेमिनार्स होते हैं हम वहीं पे बस हाँ ये होना चाहिए। तो इसको सर आज कुछ करना है, बेशक आप सड़क पे आओ या आप कागज में करो। मुझे आपके इस बात पे ना बड़ा संतोष हुआ कि आपके इस जो आप में एक अग्नि उत्पन्न हुई है और इससे मुझे सर, बड़ा आप ये देखो ना सर आपको याद हो ये शायद 2009 की बात है या 2007 की बात है जब हमने एक वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी दिया था और बाकायदा एक पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया था संस्कृत के साथ इंटरडिसिप्लिनरी करने का। वो सर अंतरवैश्विक आज तक एक सब्जेक्ट में भी नहीं हो पाया, क्यों शायद हमारी वही है बात की आग तो लगती है लेकिन वो भड़का नहीं सकते सर, हम थोड़ी थोड़ी लगा करके कोई हमें पानी डाल देता है सर हम शांत हो जाते हैं, नहीं मैडम जी 20 बच्चे कर दिए आपके सब्जेक्ट में मैडम जी बैठ जाती है, वही बात शायद सभी के साथ ही है ना सर। हाँ लेकिन इन विषयों के बारे में चर्चा कोई भी करना चाहता सर वो बच्चा कैसे नहीं सर तो इसके लिए आशुतोष जी यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने कई सेमिनार्स कई लेक्चर्स अटेंड किए हैं जी, मगर जिस प्रकार आप इंट्रोडक्शन देते हैं और वो विषय का समूचा ज्ञान समूचा नहीं एक आउटलाइन निश्चित करते हैं वो कई बार तो मैंने देखा है कि वो एक्चुअल लेक्चर से भी ज्यादा अच्छी होती है, प्रभावी है। और ये जो आपकी विद्या है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाए
तो भी वो सब्जेक्ट जो है, जो भी विषय है, वो समझने में बहुत सहूलियत होगी। या तो मैं दूसरे सम्मेलनों में देखता हूँ कि वो एक पढ़ी लिखी हुई इंट्रोडक्शन होती है वो वक्ता की, वो खाट 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 करके बता देते हैं और फिर वो वक्ता को लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, लोगों को समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। मगर आपकी जो आप जो करते हैं उससे एक विषय का आकलन होने में जबरदस्त सहूलियत मिलती है, और ये लेक्चर कोई भी सब्जेक्ट के पहले दिन होना चाहिए, जिससे वो सब्जेक्ट की पूरी संकल्पना क्लियर हो जाए और वो स्टूडेंट्स को भी वो सब्जेक्ट में रुचि आवे। और वो सब्जेक्ट लेने में जब भी आज अभी पूनम जी ने बोला कि उनको तो स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, ये पकड़ पकड़ के क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि आज ये संस्कृत का उनके खेती में क्या उनको उपयोग हो सकता है ये बात हम लोग क्लियर नहीं कर रहे या क्लियर नहीं कर सकते। अगर वही जो है वो रागदारी संगीत गाते हैं, सिनेमा संगीत गाते हैं हल चलाते वक्त, तो संस्कृत के वचन क्यों नहीं बोल सकते वहां पे, या कोई ना कोई संस्कृत में खेती से संबंधित बहुत वांग्मय है, इसी किसी का हम लोग प्रयोग नहीं करते, इसलिए संस्कृत एक बोझ बन जाती है और फिर अपने को जाके स्टूडेंट्स पकड़ना जरूरी हो जाता है वो सब्जेक्ट जिंदा रखने के लिए। तो जी, जी। हम लोग कुछ सोचे, ये मेरा विचार है। जी डॉक्टर साहब, इस विचार पे हमने पहले बहुत काम किया और बल्कि सर्वे भी किया। मैं इस वक्त वो बीच में दिखाना जो है वो फिर बातचीत को अस्त व्यस्त करने वाली बात हो जाएगी। हम लोगों ने लगभग 500 के करीब जो है वो छात्रों का जो है सर्वे किया था कि वो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते भी हैं या नहीं चाहते, इन सारे विषयों के ऊपर हमने किया था। और उसमें ये प्रपोजल दिया था यूनिवर्सिटी को भी और जो उच्च शिक्षा निदेशालय है उसको भी कि संस्कृत के कुछ ऐसे विषय, पहले तो यह है कि संस्कृत विषय को दो भागों में बांटा जाए, एक उसको हम जो थ्योरी पक्ष कहें और दूसरा प्रैक्टिकल पक्ष। थ्योरी पक्ष में हम पढ़ाएं अर्थशास्त्र की या राजनीति शास्त्र, प्राचीन जो राजनीतिक विचार हैं उनको पढ़ाएं, हम साहित्य शास्त्र पढ़ाएं, हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको पढ़ाएं, वो बहुत सारे ऐसे विषय हमने उसमें समायोजित किए थे। चिकित्सा शास्त्र का या जैसे भोजन शास्त्र है, इन सारे विषयों के ऊपर उसमें रखा था कि इनको थ्योरी के रूप में पढ़ाएं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल में हम जो भी असाइनमेंट्स हैं वो कंप्यूटर पे उनको दें बच्चों को, और फिर उनका हम मूल्यांकन करें। तो इससे दो तरह की चीजें उसके पास आ जाएंगी। और उस प्रैक्टिकल में जैसे बच्चों को हम गुड गवर्नेंस है, अब गुड गवर्नेंस तो आप महाभारत से पढ़ा लीजिए, आप चाहे रामायण से पढ़ा लीजिए, कहीं से भी पढ़ा लीजिए, और उसके बाद बच्चे को कहें कि भाई अब तू मूल्यांकन कर, तू अपने प्रश्न बना और इसके रिपोर्ट लिख करके ला। अब ये जब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो संस्कृत में एक नया उल्लास आएगा, एक नई जीवंतता आएगी, अन्यथा वो उसी तरह से क्या कहते हैं कि भाई उसके ऊपर थोपने वाली बातें हैं, उसमें कुछ भी नयापन नहीं आ पाता। विद्वत्ता ठीक है, वो अपेक्षित है, लेकिन विद्वत्ता का उपयोग ही कहीं ना हो, ये एक बड़ी त्रासदी है। और मुझे लगता है कि इसको ये एक समस्या है जिसको साथ हमें उलझना भी है, उसको सुलझाना भी है और विश्लेषण भी करना अपेक्षित है। लेकिन और अधिक आगे जाने से पहले यदि कोई और कोई समस्या को परिभाषित करना चाहता है कि भाई किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाए, कैसे उनका उपयोग किया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, यदि कोई छात्र भी हमारे साथ, स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, यदि उनमें से भी कोई बात अपनी रखना चाहे तो रख सकता है, फिर हम समाधानों की ओर अग्रसर होंगे। किसी और कोई समस्या को परिभाषित करना चाहता हो? यहाँ विद्यार्थियों को मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी सीधा सीधा प्रश्न है, क्या आप संस्कृत सीखते वक्त उल्लासित होती है या बोर हो जाती है? बहुत खूब। हाँ लिपिका, क्या उत्तर है? सर उत्तर तो ये है कि संस्कृत में रुचि थी तभी हमने ये विषय लिया था, और बहुत अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ते हुए भी, और हम तो वेट कर रहे हैं कब कॉलेज खुले और हम पढ़े। बोर बिल्कुल नहीं होते सर, ऐसा कुछ नहीं है कि बोर होते हैं।
इस क्रम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं विद्यार्थी था स्कूल का, तो उस समय हम लोग हितोपदेश पढ़ते थे और हमारे अध्यापक इतने रोचक ढंग से पढ़ाते थे कि विद्यार्थियों की संख्या स्वतः बढ़ जाती थी। संस्कृत के श्लोक थे, सिद्धि सत्य सतामस्तु प्रसादातस्य दुर्जटे जाह्नवी फेने लेखे व, और जो कहानियां हितोपदेश की जब आगे बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार रोचक ढंग से अगर हम पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पर, तो हम समझते हैं कि वो अधिकतम विद्यार्थी को, जैसे अभी इन्होंने आनंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम हल चलाते हुए जो फिल्मों का गीत गाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं विद्यार्थी था तो मैं संस्कृत के श्लोक गुनगुनाया करता था, क्योंकि हमारे शिक्षक इतने अच्छे थे, एंड ही हैज इंक्लूडेड इन मी the taste for Sanskrit. It is another thing that I had never, thereafter I couldn't be the student of Sanskrit and became a philosophy. और वो भी philosophy का हमने संकलन चयन इसलिए किया कि it was based on Sanskrit. Entire Indian philosophy is based on Sanskrit. तो मैं समझता हूँ कि it is also our fault not to inculcate the Sanskrit properly. और इस प्रकार हमें पढ़ाया जाता था कि वो कहते थे कि राजा से उन्होंने एक श्लोक सुना कि अब वे शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम अब वे स्नेन च मूर्खानां निद्रया कलहेनवा, और इस प्रकार जो इतने रोचक ढंग से उन्होंने आरंभ किया कि कोर्थ पुत्रेण जायते, वो राजा सोचता है कि उन्हें विद्वान न धार्मिक काणे न चक्षु साकिंग वा चक्षु पीड़ा केवलम, और सुदर्शन जो राजा था वो किस प्रकार, वो पंडित को जो सभा बुलाई जाती है और किस प्रकार ज्ञान दिया जाता है, अगर हम स्वयं उस रोचकत्व में डूबकर अपने विद्यार्थियों का वर्ग संचालन करें, तो मैं समझता हूँ कि आपको विद्यार्थी खींचना पड़ेगा स्कूल से ही। और वहां से आकर्षण होने पर जब मैं कॉलेज में आया, तो मैं देखता था कि संस्कृत में 50-60-70 विद्यार्थी हैं, वो इंटर स्तर पर बीए पहुंचते पहुंचते 30-35 रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बिकॉज आई एम ए सिंपल मैन एंड आई एम नॉट ए मैन ऑफ संस्कृत, बहुत सारी चीजों को मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी जो स्मृतियां हैं और मेरा जो अनुभव कहता है कि वो शिक्षक पर भी निर्भर करता है कि हाउ टू मेक द थिंग पॉपुलर। और दूसरी बात, इंटर स्टडीज तो संस्कृत में अपने आप हो जाता है, जैसे आपने अपने आख्यानों के क्रम में कहीं आप भीष्म की जो है क्या कहते हैं गुड गवर्नेंस की बात आप करवा रहे हैं, तो उनके यक्ष प्रश्नों से जो है बहुत सारे माने अच्छे अच्छे प्रश्न और समाधान उभर कर सामने आ रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हमारे अगस्त ऋषि और क्या क्या इन्होंने बैटरी का जो माने आविष्कार किया था, जो बाद में लोगों ने खींच लिया, अगर हम लोगों ने संस्कृत को बढ़िया से पढ़ा होता तो हम इसे ज्यादा विकसित कर सकते थे। एंड इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, और इसका एक अप्लाइड एस्पेक्ट भी विकसित करना मैं समझता हूँ शिक्षक के लिए आवश्यक है संस्कृत। जी 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 अविनाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल यही लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो मेरी रही है कि जब तक हम संस्कृत को अप्लाइड नहीं बनाएंगे, और अप्लाइड का अक्सर लोग अर्थ ये समझ लेते हैं कि केवल संभाषण आवश्यक है, संभाषण, लेकिन संभाषण अप्लाइड नहीं है, उसका जो निहित विचार है उसका उपयोग कहाँ हो, हम क्या उनसे पॉलिसी बना सकते हैं या हम उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम कोई अर्थव्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था को कोई योगदान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये महत्वपूर्ण है। मेरा विद्यार्थी, संस्कृत का विद्यार्थी अगर राजनीतिक गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता संस्कृत का शास्त्र पढ़ के, तो मुझे वो दुख होता है। मेरा विद्यार्थी अगर अर्थ व्यवस्था के ऊपर कोई अपने आलोचनात्मक चिंतन नहीं रखता संस्कृत का शास्त्र पढ़ते हुए, तो मुझे उसमें बड़ा दुख है। तो मैं संस्कृत को इसी रूप में पढ़ाना चाहता हूँ, ये जो सारी इंटरडिसिप्लिनरी की बातें हैं वो इसी दृष्टि से है, ये सारा कुछ जो प्रयास कर रहा हूँ पिछले देर से वो सारा इसी दृष्टि से है। अभी आगे भी जो हम करने जा रहे हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी पे, फूड सेंसिबिलिटी के ऊपर और संस्कृत शास्त्रों पे बात करेंगे, या और इस तरह के अन्य अन्य बहुत सारे विषय हैं जिन पे अभी चर्चा कंटिन्यू करेंगे, तो ये बात बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि, लेकिन उसके लिए सिलेबस में परिवर्तन कैसे लाऊं, अपने स्तर पर तो हम कर लेते हैं, बच्चों से जबरदस्ती कई बार करवा भी लेते हैं। आप देखिए, मैं तो
हालांकि ये बात कहने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार एक टीचर होते हुए आप एक थोड़ी अलग सी बात कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। कई बार बच्चे जब क्लास में नहीं आते या स्किप कर जाते हैं या लेट आते हैं, तो मैं उनको कभी ये नहीं कहता कि भाई सच बता क्या किया तूने, ये नहीं। मैं कहता हूँ एक सुंदर सा झूठ बोल दे, लेकिन प्रभावित करने वाला झूठ होना चाहिए, तो मैं तेरी अटेंडेंस लगा दूंगा। तो कम से कम उसकी क्रिएटिविटी तो जागेगी। सर एक बात कहना चाहूंगी मैं, सॉरी आपको एक बात जी, कि सर ये जब हम 8th तक हमने संस्कृत पढ़ी, उसके बाद हाई स्कूल और इंटर में संस्कृत परिचायिका और दिग्दर्शिका लगाई गई थी हमारे, उस समय हमारे पूर्वज भी पढ़ाया जाता था, तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से हम जुड़े होते थे। और सर संस्कृत का वो जो थोड़ा सा पार्ट पढ़ा जाता था उससे किसी को ये शब्द नहीं आता था कि भारी है। देखिए सर परिस्थितियां हर क्षेत्र की अलग है। मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और रहने वाली मैं अवध प्रांत की हूँ, लखनऊ की, तो बेसिकली जमीन और आसमान का अंतर है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में यहाँ अप संस्कृति की बात करती हूँ कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट अप संस्कृति है। यहाँ का बच्चा सर कॉलेज का 700 स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर लेता है, उसको लिटरेचर बोलना नहीं आता, वो बोलता है लिटरेचर, रे की जगह रे लगाता है, क्योंकि उसको घर से ये बताया गया है और पूरे समाज में ये बात है कि तू इंग्लिश लेके पढ़ेगा तो तेरा काम बनेगा। संस्कृत को वो कुछ समझता नहीं, तो वो तो घुसता ही इसके साथ में माइंड मेडअप करके कि मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, मुझे कॉलेज पढ़ने आने ही नहीं है। फिर आप उसमें रुचि जगाते हैं सर, उसको समझाते हैं, उसने जीवन में हमारी जो एक प्रारंभ से पूर्व पीठिका जो है वो तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि देखिए यहाँ के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सर मैं संस्कृत लैंग्वेज को लाने के लिए 2 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। पूर्वांचल में सब जगह संस्कृत को इंग्लिश और हिंदी के साथ एक लैंग्वेज के रूप में रखा गया है, लेकिन यहाँ नहीं रखा गया। सर ये बहुत सारी बातें हैं, हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत को लैंग्वेज के रूप में रखा जाए और कम से कम एक कथानक की ही चाहे छोटी छोटी किताबें रखी जाए, हाई स्कूल और इंटर में भी रखी जानी चाहिए कि बच्चे को इतना परिचय तो प्राप्त हो कि संस्कृत है क्या। जी बिल्कुल ठीक है। आशुतोष जी, जी एक बात कहूं यहाँ पे, आपने इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात करी जी, मैं आई विल पुट इट दिस वे कि संस्कृत इज नॉट इंटरडिसिप्लिनरी, संस्कृत इज अ ट्रांसवर्स सब्जेक्ट। संस्कृत और मैथ्स ये जो दो सब्जेक्ट्स है दे आर ट्रांसवर्स सब्जेक्ट, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर फॉर्मिंग द बैकग्राउंड ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। और ये बात मैथ्स के बारे में थोड़ी बहुत तो आगे तक आ गई है कि आप इकोनोमेट्रिक्स लीजिए, मैथमेटिक्स लीजिए, एरिथमेटिक लीजिए, ज्योमेट्री लीजिए या ड्राइंग लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स का जिक्र आता है, मगर ये संस्कृत के बारे में ये बात आज तक खुल के सामने नहीं आई है या नहीं लाई गई है। आज आपकी जुबान इतनी साफ है, ये आपका संस्कृत अध्यापक होना इसमें इसका कुछ ना कुछ योगदान है, तो इसलिए जो संस्कृत है सब्जेक्ट विच इज द बैकग्राउंड, गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, गेस्टाल्ट थ्योरी में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड प्रॉब्लम जो देखा जाता है वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों देख के देखा जाता है। हम लोग जो बैकग्राउंड में प्रॉब्लम तैयार होती है और फोरग्राउंड में अपने को दिखती है, तो फोरग्राउंड इज द सिम्टम, बैकग्राउंड इज द प्रॉब्लम, एंड इफ वी वॉन्ट टू ट्रीट द प्रॉब्लम वी हैव टू ट्रीट द बैकग्राउंड नॉट द फोरग्राउंड। जो सिम्टम आप निकाल देंगे फिर भी बैकग्राउंड वैसी रहेगी, तो इसमें आपको जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इज द वन दैट इज संस्कृत, और ये जब तक आप आगे आगे नहीं लाएंगे, जैसे आप पूनम जी ने बोला कि वो अंग्रेजी लिटरेचर लेता है, मगर अंग्रेजी लिटरेचर लेके भी अगर उसको 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी इंग्लैंड क्या था, वहां पे किस प्रकार की चीजें थी, या फॉर एग्जाम्पल जो प्रोवर्ब आती है थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ये प्रोवर्ब का उसको मतलब ही नहीं समझ में आएगा इतना काला कैसे हो गया कि जबकि वो बच्चे को भी उसके पानी के साथ बाहर फेंक दिया, क्योंकि हम लोग तो स्नान खड़े खड़े करते हैं। तो जैसे लिटरेचर चाहिए वहां का कल्चर समझ में आना चाहिए, इसी तरह से संस्कृत को भी हम लोग ने ट्रांसवर्स सब्जेक्ट इस तरह से लेना चाहिए। मैं यहाँ पे एक ही उदाहरण दूंगा ट्रांसवर्स सब्जेक्ट इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम लोग समुद्र मंथन का जिक्र करते हैं तो 14 रत्न आए, 14 रत्नों की अपनी अपनी खासियत थी
और वो 14 अलग अलग लोगों के पास गए, तो इसका मतलब हो गया मैथमेटिक्स के हिसाब से ये 14 × 14 × 14 इतने कॉम्बिनेशन हो गए, 2900 कॉम्बिनेशन हो गए, और आप एक सिर्फ 4 लाइन का एक श्लोक आप रट लेते हो, रटना नहीं बोलना चाहिए उसको, जो भी आप मेमोराइज कर लेते हो, कंठस्थ कर लेते हो, बराबर, थैंक यू फॉर दैट। तो अगर वो आप कंठस्थ कर लेते हो तो आपको 14 × 14 × 14 2900 कॉम्बिनेशन आपको याद रहते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसफर दिस नॉलेज ऑफ संस्कृत इनटू अदर सब्जेक्ट्स, और ये अगर आप लोग लड़के के पास तक पहुंचा सकते हैं तो बाकी सब सब्जेक्ट के, जैसे पूनम जी ने बोला कि इंजीनियरिंग के लोग भी आते थे, श्रीवास्तव जी ने भी बोला कि बाकी सब्जेक्ट के लोग संस्कृत पढ़ने के लिए आते थे, वैसे वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उनको वहां पे जरूरी है। तो वन इज द अप्लाइड एस्पेक्ट, अदर इज द ट्रांसवर्स एस्पेक्ट। यस एग्जैक्टली, आई डू एग्री विद दिस, रादर आई एंडोर्स दिस योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई रियली, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे गुरुजी हुआ करते थे महेश तिवारी शास्त्री, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हुए पाली विभाग के, बौद्ध विद्या विभाग। उस समय बौद्ध विद्या विभाग में 5 या 6 विद्यार्थी थे, जब वो रिटायर कर रहे थे तो 200-250 विद्यार्थी हो गए। और मैंने देखा कि जो जिस उपाय कौशल्य का वो प्रयोग अध्यापन के कार्य में करते थे उसके कारण विद्यार्थियों की वृद्धि हुई थी, और आज पुनः मूषको भव की स्थिति हो गई है दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर, मेरे सामने तो 3 तरह के संस्कृतज्ञ हैं। एक वो जो पंचतंत्र की 3 मछलियों की तरह जो प्रत्युत्पन्न मतित्व वाले हैं, मति वाले हैं, जो यत भविष्य वाले हैं, और तीसरे अनागत विधाता वाले हैं। तो जिनको नौकरियां मिल गई हैं वो ठीक है कि चलो निकल जाएगा, कोई देखेंगे, हमारा समय तो निकले, लेकिन मेरा तो दायित्व तो आगे आने वालों के लिए है। अपना मेरा समय का समस्या नहीं है, समस्या तो यह है कि भविष्य में मैं क्या देके जा रहा हूँ, किनको क्या दे रहा हूँ, और उनको कोई आश्वस्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता भविष्य के प्रति। तो ये एक समस्या है, तो वो इस अप्रोच से नहीं चल सकता है कि यद भविष्य वाला कि भी कुछ भी जब होगा तब देखेंगे। वो निश्चित करना पड़ेगा, वो एफर्ट्स करनी पड़ेंगे, वो संस्कृत की जो स्पिरिट है, संस्कृत की जो चेतना है, उसे कहीं हम छू नहीं पा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये बात, चलिए ये सारी बातें तो आज हुई हैं। रोहताश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जी सर। मैं थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि आज के शिक्षक की भूमिका पर बोलना चाहता था सर। जी प्लीज। आज का जो शिक्षक है, दो महत्वों के अंतर्गत ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ सर, शिक्षक आज क्या हो गया है। शिक्षक का जो एक समाज के सामने एक व्यक्तित्व होता था सर, उस व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग हटकर एक व्यक्तित्व सामने आ रहा है सर। उसके 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ सर। एक तो पहला, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो प्रोफेसर है सर, वो अपनी जब अटेंडेंस हाजिरी लेता है वो 50% फर्जी लगाता है। यहाँ से हमारे समाज में जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से, और जब कॉलेज तक नहीं पहुँचते हैं, और जब उनकी हाजिरी लग जाती है, डिग्रियाँ मिल जाती है, आगे चढ़ जाते हैं, तो यहाँ से विद्यार्थी की मानसिकता एक ऐसी बनती चली जाती है जिससे बेरोजगारी की जो फौज खड़ी हुई है वो समाज और शिक्षक के माध्यम से हुई है। सरकारों पर हमने अपनी गलतियाँ नहीं थोपनी चाहिए, हम जो शिक्षक हैं हमने उसमें कोताही बरती है, एक बात तो सबकी। दूसरी बात, मूल्यांकन पर जब टीचर जाता है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो प्रोफेसर है, सिर्फ टीजीटी होगा तो उसको 10वीं की कॉपियां चेक करने में, आजकल यूपी में एक ट्रेंड चला हुआ कि बच्चे कॉपियों में पैसे रखते हैं ताकि पास कर दिया जाए। टीचर की यह मानसिकता बन गया, मुझे 5 कॉपियों में एक भी नहीं निकला यार, अगली में निकल गया, मैं इस बच्चे को चाहे 0 आती हो सर वो उसको भी पास कर देते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने सर एक मेरा आंखों देखा उदाहरण, में बिजनौर में एक स्कूल में गया हुआ था एक अपने साथी के साथ, वहां मैंने देखा यूपी सरकार ने टीचरों के मूल्यांकन के लिए 12 कोड ABCD के उत्तर डाले, भाई इनको देख लो और फिर कॉपियां चेक कर दो आप। मैंने खुद जाके देखा सर, जिस
बच्चे ने मैथ में काटा मार रखा, कितने उसमें 3 नंबर देके उसको पास कर रखा सर। ये हालात जब पीजीटी की है, पीजीटी ये गिनता है कि मेरी कॉपियां मैंने 40 करनी थी, आज मैंने 60 कर दी, इसका बेनिफिट हो गया। रोहताश जी, ये थोड़ा सा ना विषयांतर हो गया, हालांकि ये बड़ा अपेक्षित है कि टीचर का व्यवहार जो है, एक अध्यापक का व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है, कि अब वो जिस तरह से कर रहा है और जिस तरह से सारी क्रियाकलाप उसके हैं वो कोई बहुत प्रशंसा के योग्य नहीं है, वो प्रोफेशनल ज़्यादा हो गया है एक तरह से तो। लेकिन थोड़ा फिर भी अगर आप इस विषय में कि ये जो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन है और जो ये टेक्नोलॉजी को हम यूज करने जा रहे हैं, किस तरह से क्या आप कंफर्टेबल हैं इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए? मैं सर बस एक बात कह के उसी बात पे आने वाला हूँ सर। जी जी सर। तो हमारे प्रोफेसर साहब हैं सर, जो बंडल गिनते हैं कि मैंने 120 का 150 का 200 कॉपियों का बंडल मिला, और वो ऐसे मार्क देते हैं कि बच्चा पास हो जाए, अगर कम किए तो रीचेक में मुझे जाना नहीं पड़ेगा, किराया लगेगा, तेल लगेगा। इस भावना से जब कॉपियां चेक होती है, उसके बाद मैं शिक्षक के चित्र पर इसलिए आ रहा हूँ, उनकी वजह से ही बेरोजगारी की बोझ खड़ी हुई है सर। आज कोरोना काल में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है, ये सबसे बड़ी ये है कि आज लगभग 4 महीनों से जो शिक्षा स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टीचर दे रहे हैं, उससे न तो टीचर पूरी तरह से संतुष्ट है और न ही बच्चा पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि बच्चा टीचर की वो भावना पकड़ ही नहीं पा रहा है जो तो पकड़ाना चाहता है। एक बात। दूसरी बात रही सर, टेक्नोलॉजी कुछ समाज में कुछ अभिजन लोगों तक ही सीमित है सर। किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी के घर पे टीवी नहीं है, लेकिन हर घर का बच्चा पढ़ना तो चाहता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखिए आपकी एक, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हमारा समाज के लोग कितने प्रतिशत इसके योग्य हैं कि वो उस टेक्नोलॉजी को मतलब अपने घर में रख सकते हैं, रखने की या उसके पास उपलब्ध होने की बहुत बड़ी समस्या है सर। बहुत बड़ा अंतराल है इस आंकड़े में कि समाज के किन लोगों के पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है या नहीं है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस कोरोना काल में जो हमारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उसमें समाज का लगभग कुछ भाग ही इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से का अध्यापन कर पा रहा है, बाकी सभी वैसे ही ये खेल बनाए हुए। सच्चे मेरा संदेह ये ठीक है बात, ये तो पक्ष है, लेकिन ये तो जब सरकार अपनी नीति बनाएगी या नए जो भी वो जिस तरह का विचार उसका होगा, ये बात उनके भी ध्यान में होगी और है, मेरा ख्याल है कि सभी बच्चों तक नहीं पहुंच रहा, और ये वो एक हथियार के रूप में इसको उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो इस रूप में उपयोग कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती या वहां तक कनेक्शंस नहीं आते, तो इसलिए सारा का सारा जो है वो आप लेक्चर जो हैं अपलोड कर दीजिए, आप सारे के सारे अपना जो वक्तव्य है उसको अपलोड कर दीजिए, और इस प्लेटफॉर्म पे, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी और वैसे भी, तो वो सारा आप करके रख दें, और इसी बात की तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जबकि होना ये चाहिए था, और खैर इसमें दोष सिर्फ टीचर का या सरकार का ही नहीं है, देश इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि अगर आप सोचें कि हम सब कुछ अपनी बुद्धि से ठीक कर लेंगे तो वो तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी ऐसा मानना। तो कई सारी कठिनाइयों के साथ लगी हुई है सरकार, भी लगी हुई है इंस्टीट्यूशंस भी लगे हुए हैं, लेकिन सावधानी ये रखने की जरूरत है कि किस तरह से हम एक संवेदनशील, अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखें, व्यक्तित्व को अखंडित रखें, जो इस वक्त दबाव में आया हुआ है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेकिन चलिए, ये आपने एक अच्छा विषय उठाया है, ये भी महत्वपूर्ण है, और इसको कभी टीचिंग के दौरान जरूर लेंगे कि टीचर का व्यवहार क्या हो। लेकिन अभी तो ये मसला है कि संस्कृत के लोग कितने प्रतिशत जो हैं वो टेक्नोलॉजी जानते हैं, टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और उनमें किस स्तर पे जानते हैं, कितने लोग जो हैं, अगर उनको कहा जाए संस्कृत के लोगों को कि भाई आपने ऑनलाइन जो है वो कोई कंपटीशन करवाना है,
या आपने कुछ इस तरह का प्रयोग करना है, जैसे आप कहें कि क्विज करनी है, तो कितने लोगों को पता है कि भाई ये मिंटी सॉफ्टवेयर यूज करना है या वीडियो एडिट करना है, तो कितने संस्कृतज्ञों को पता है? केवल शास्त्र ज्ञान से इस वक्त बात नहीं चलेगी, और स्वयं शास्त्र ये कहते हैं कि एकम शास्त्रम अधीयानो न याति शास्त्र निर्णय, कि केवल एक शास्त्र पढ़ने से शास्त्र का निर्णय नहीं हो जाया करता। इसलिए बहुत बहुश्रुत भव, बहुत सारा सुनने वाला बनो, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करो, विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित करो, और वो फिर आपके व्यक्तित्व में सारे का सारा जो है वो सिंथेसाइज हो जाए, समाहित हो जाए, और व्यक्तित्व आपका परिपूर्ण। इसलिए विभिन्न विषयों को जान जी सर जी नहीं आप बोलिए, आपके बाद बोलता हूँ जी। तो ये चीज की विभिन्न विषयों को जानना और उनको समाहित करने की हमारे में क्षमता का विकास होना, ये बड़ा आवश्यक है। केवल इस बात से मैं बच नहीं सकता कि क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बाकी चीजें मैं क्या करूंगा जान के, मुझे तो आती नहीं है, ये बहानेबाजी और इस तरह का जो व्यवहार है वो बहुत उचित नहीं होता, वो प्रशंसा के योग्य नहीं होता। तो मुझे लगता है कि संस्कृत के व्यक्ति को एक इस रूप में सामने, समाज के सामने आना चाहिए कि वो बहुत सारे दायित्वों को ग्रहण भी कर सकता है और उसका निर्वाह भी उतने ही उचित रूप से कर सकता है। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी सीखने के साथ साथ इस बात को भी देखना होगा कि संस्कृत को हम टेक्नोलॉजी में कहाँ फिट कर सकते हैं। अब जैसे हम जैसे आनंद जी ने भी बात की संस्कृत, रोहताश जी जरा म्यूट कीजिए। कंप्यूटर फॉर संस्कृत जो है, दो पक्ष हैं इसके, एक है कंप्यूटर फॉर संस्कृत और दूसरा है संस्कृत फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर फॉर संस्कृत के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती हैं और वो कर रहे हैं हम सारे, लेकिन संस्कृत फॉर कंप्यूटर ये कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कोई सिलेबस में परिवर्तन लाएंगे तभी तो होगा। मैं कहता हूं अगर आप इतना ही सीख लें कि पार्सिंग और टैगिंग कैसे करनी होती है संस्कृत के वाक्यों की, तो आप कंप्यूटर में सहायक हो सकते हैं प्रोग्रामिंग में। आपको एल्गोरिदम पाणिनि के आधार पर बनानी सीखनी चाहिए, वो उसके लिए कोई उत्सुक होगा तो होगा, नहीं अन्यथा केवल हम साहित्य पढ़ाते रहेंगे और अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे कि देखो जी हमने तो अपनी क्लास पढ़ा दी और हमने सारा उनको बता दिया कि ये भाव होते हैं, लेकिन बोरियत के भाव को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बीच में बात की थी कि बोरियत के भाव को आप कहाँ स्थापित करते हैं? 9 भावों में 8 भावों में जब आप पढ़ाते हैं तो आज के युग का जो उत्पन्न हुआ बोरियत का भाव है, उस बोरियत के भाव को कहाँ स्थापित करते हैं? और जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, जिस तरह का साहित्य हमारे सामने आ रहा है, वो सारे के सारे साहित्य को हम संस्कृत साहित्य शास्त्र के आधार पर कैसे मूल्यांकित करें? कोई करता है? नहीं कर पा रहे हम, और ना उस चुनौती को हम स्वीकार करने को उत्सुक होते हैं, ना तत्पर होते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि हम लोग डायलॉग ही नहीं कर रहे, हम संस्कृतज्ञों ने संवाद को मार दिया। हम क्यों नहीं दूसरे विषयों के साथ बात करते? दूसरे विषयों की आवश्यकता है या नहीं है ये प्रश्न नहीं है, मेरी आवश्यकता है, मैं अपने दृष्टि को विकसित करना चाहता हूँ, मैं विषय को सूक्ष्मता के साथ समझना चाहता हूँ, व्यापकता के साथ उसको जानना चाहता हूँ, तो मुझे तो डायलॉग करना चाहिए। लेकिन कितने संस्कृत के लोग दूसरे विषय के लोगों के साथ संवाद करते हैं, संवाद का प्रशिक्षण देते हैं? ये दिया जाना चाहिए, लेकिन संस्कृत सिलेबस में ये चीजें लगाते ही नहीं हम लोग, केवल एक साहित्य लगा करके और ग्रामर लगा करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि देखो जी हमने 10 छंद करवा दिए, 10 अलंकार करवा दिए और बच्चों को बता दिया कि भाई ये इतिहास पढ़ लेना संस्कृत का और चलो तुम्हारा काम हो गया। वो करेगा क्या, आगे जाके क्या करेगा? और यही प्रश्न अब जो नई नीति शिक्षा नीति है वो आपसे करने जा रही है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपकी यूटिलिटी, आप जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पे नहीं आक्षेप करते, वो कहते हैं कि जो भी उसमें से विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय की उपयोगिता क्या है, ये उत्तर तो देने पड़ेंगे, और नहीं है तो हमें स्वयं करने चाहिए कि उसमें क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या यूटिलिटी है, कहाँ उसकी एप्लीकेशन है।
मैं अपने विद्यार्थियों को क्या बताऊं कि भाई तुम अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ के तुम्हारे कौन सा ज्ञान विकसित होगा, क्या उसकी संवेदनशीलता एनवायरमेंट में बढ़ेगी, क्या उसकी संवेदनशीलता लाइफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा। तो मैं कौन सी पॉलिसी सजेस्ट करने जा रहा हूँ, इतने इतने वर्ष हो गए हमें सभी को संस्कृत पढ़ाते हुए और उत्तर हमारे पास कोई होता नहीं है, जो हमने रटा हुआ है, जो हमें शास्त्र के रूप में याद है, स्मरण है, वो आवश्यक है, वो आदर के योग्य है, नितांत आवश्यक है, लेकिन चुनौती को तो समझें। उसी संदर्भ में आज का ये विषय हमने रखा हुआ था कि भाई जो इस कोरोना टाइम में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा का सारा जोर आ रहा है वो एक चुनौती के रूप में आ रहा है, और आप उसके माध्यम से कैसे अपने विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रभावी रूप से, उपयोगी रूप से, ये सारी चर्चा आज का उद्देश्य था। तो ये प्रयास हमने आज किया है कि इस सारे विषय के ऊपर हम चर्चा करें, फोकस हो और सूत्र रूप में इस पे चर्चा करें और आलोचनात्मक दृष्टि से इस सारे विषय को समझने की कोशिश करें। जितना हमारे से प्रयास हुआ मुझे लगता है वही पर्याप्त है, जितना इतना ही कर सकते थे तो हम इतना हमने किया, आगे फिर देखेंगे। और मैं इस बात के प्रति हमेशा सजग रहा हूं कि आज अगर हम अपनी परिभाषाओं को परिभाषित नहीं कर पाए हैं, कल पुनः आकर के फिर दोबारा से हम परिभाषित करेंगे, और इसमें किसी का सहयोग हो तो बहुत अच्छा है, और ना भी हो तो भी मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। और मुझे इस बात के लिए, मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को समाप्त करने से पूर्व यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई असहमति है तो वो आप साझा कर सकते हैं, और फिर मैं उसके बाद धन्यवाद के रूप में चार पंक्तियों की एक कविता आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जो मेरे लिए बड़ी ही प्रेरणा की बात हमेशा से ही रही है। और आप लोगों के लिए एक मिनट, जो लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भर सकते हैं। तो जी मैम पूनम जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण हम तो सर दर्शन के भी, मनोविज्ञान के भी, सब कुछ हमारे में समाहित है अगर हम वास्तव में पढ़ते हैं खुद भी और अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। तो हमको इसी रूप में जो आपने बात कही, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि साहित्य तो जीवन के लिए है ही है, लेकिन सर वाकई में इसके साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि बच्चों को आगे जा करके कहीं ना कहीं उनको व्यावसायिकता के लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल मैम, ये बात आपको चाहिए। जी जी, जैसे ही आप विद्वानों से बात करते हैं तो वो तुरंत आपको बताते हैं कि देखो इसमें मनोविज्ञान भी है, इसमें समाजशास्त्र भी है, इसमें राजनीति शास्त्र भी है, तो भैया आप उसको सिलेबस में क्यों नहीं लगाते, उस राजनीति शास्त्र को, उस समाजशास्त्र को, मनोविज्ञान को क्यों नहीं लगाते, जिससे बच्चे को कम से कम एक एक, एक, एक उसको मिले तो सही, दृष्टि तो मिले, दिशा तो निर्धारित हो। रोहतास जी थे शायद कह रहे थे टीचर्स के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी थी, बात कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी जगह जायज है। मेरे को सर मेरे यहाँ के पॉलिटिकल साइंस विभाग से कहा गया कि हम एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर कुछ कराने जा रहे हैं, तो मैडम आप अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए, कुछ उसमें आप अपनी बात कहिए। अचानक कहा गया तो सर मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। मैंने अपने डिपार्टमेंट से अपनी अथर्व वेद निकाला, पुस्तक निकाली, और मैंने कहा मैं थोड़ा इन गर्ल्स थी उसमें ज्यादातर, मैंने कहा मैं इनको विवाह सूक्त के विषय में बता, क्योंकि रोज ये लोग शादी अटेंड करती हैं, देखती हैं, इनको ये नहीं पता कि विवाह सूक्त के मंत्र क्या कहते हैं, सामंजस्य है वहां पे, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। आप यकीन कीजिए सर मैं लेके गई, बड़े रोचक तरीके से मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, उनको बताना चाहा, तो मैंने देखा कि बच्चियां, वो 20-22 बच्चियां थी, उनको बॉयज भी थे 2-3, उनको कोई बहुत उसको सुनने में रुचि नहीं थी, और इतने में मेरे कलीग ने मैडम आप इसको रहने दीजिए, आप कुछ अपने विषय में बताइए। सर मैं सुन करके थोड़ा शॉक्ड हो गई कि मैं मेरे विषय में क्या बताऊं। मैंने कहा भाई मैं, वो छोटे हैं मुझसे, तो मैं बाय द वे उनका नाम लेके ही बात करती हूँ, थोड़ा हम लोगों का आपकी व्यवहार है, तो मैंने उनका नाम लेके उनसे कहा कि भाई मैं अपने बारे में क्या बताऊं। बोले नहीं, यहां तक कि आपकी जर्नी आप कैसे करती हैं क्या, मैंने कहा नहीं सॉरी मैं ये साझा नहीं करूंगी, मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगी यहाँ पर, आपने मुझे जिसके लिए बुलाया है कि मैं बच्चों को कुछ अपने संस्कृत से दे सकूं या मैं अपने निजी जीवन से कुछ दूं,
तो सर वो बात बिल्कुल सही है कि लोग ग्रहण भी नहीं करना चाह रहे। वो तो फिर है ही है मैडम, देखिए वो ये भी चुनौती है कि सभी मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि वो सुनना भी नहीं चाहते। वो इस तरह की बात जो है एक आदर्श रूप में जब आप प्रस्तुत करेंगे तो दूसरे का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सुनेगा नहीं। आज का विषय आपका सबसे, मैं आपको बताऊं कि देखिए संविधान ने जो आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए हैं ना, वहां पर आपके संस्कृत के जो आदर्श के वाक्य हैं वो नहीं, वो इन कंट्रास्ट है, नहीं होंगे। जो फ्रीडम वहां दे दी है वो फ्रीडम, अब आप उसको कहें मर्यादा और ये सारी बातें आप खुद ही देख लेना। अभी जो एक संदीप क्या नाम था जिसने संस्कृत के लेकर के बड़ी अभद्र टिप्पणियां की, अब लोग उस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं तो उत्तर क्या है? आप उसकी निंदा करें अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक समाज के अंदर ये इन बातों को वो उभार रहा है, तो उसका उत्तर देना होगा, प्रत्युत्तर देना होगा, ना कि केवल निंदा से काम चलाना होगा। तो इसलिए ये चीजें बड़ी आवश्यक हैं, उनके ऊपर हम पुनः फिर दोबारा से विचार करेंगे। और आपकी एक बात तो बहुत सटीक लगी जो आपने तीन प्रकार के संस्कृतज्ञ बताए, वो बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि लखनऊ के पास नैमिषारण्य में गई, वहां पे संस्कृत महाविद्यालय है सर, वहां देख करके बिल्कुल लगा कि वहां व्यवहारिकता नाम की चीज ही नहीं है, बस वो रटा करके श्लोक और वो एक पंडित तैयार करना वहां की वो विधा है। हम लोग हैं तो शायद मध्यम मार्गीय, या हम लोग भी अव्यवहारिक ही है, समझ के बाहर है। तो जब तक ये समायोजन नहीं होगा, संस्कृत को सिर्फ एक विषय के रूप में, एक पूरे जीवन के रूप में हमें देखना पड़ेगा, जीवन जीने की कला देखना पड़ेगा। ये हमारी भारतीय पद्धति है, ये कोई अलग चीज नहीं है। इसको जब तक हम सब लोग स्वीकार नहीं करते सारे भारतवासी, तब तक मुझे लगता है कि सर हम अलग ही रह करके रह जाएंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक बात है, अभी आशुतोष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हमारा संस्कृत का डीकंडीशनिंग भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पढ़ा है कि श्रुतो हितो प्रदेशो यंग पाठवंग संस्कृतोक्तिषु वाचांग सर्वत्र वैचित्रंग नीति विद्या ददाति च। तो एट द सेम टाइम इट इज इनकल्केटिंग द एथिक्स एंड मोरलिटी इन द माइंड एंड इट शेप्स द entire perspective. In such a situation we can be able to decondition the modern conditionings. और ये कार्य मात्र संस्कृत ही कर सकती है, उसके लिए हमें संकल्प हो करके एक नए दिशा में सोचने की अपेक्षा है। जी धन्यवाद। और मुझे यदि और किसी की कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है तो कह के फिर हम इसको समापन करें, इसको परिपूर्ण करें। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेमिनार लिया, मगर ये पर्याप्त नहीं है जी। मुझे ये, मेरी ये टिप्पणी होगी कि आप कम से कम ये छह, हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग वी आर वेरी सुपरफिशियल, वी आर जस्ट टच द सब्जेक्ट, सो इसमें कम से कम आप इस ऐसे कुछ अरेंज करें कि छह या सात सेमिनार ले इसी विषय पर, तब हम लोग इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने भी चाहिए। दूसरी बात, आपने संदीप, आपने जो बात करी कि उन्होंने जो टिप्पणियां की है उसका जवाब कौन दे, तो इसके लिए संस्कृत क्यों सीखना चाहिए, इसके मैंने तीन वीडियोस रिलीज किए हैं और वो तीनों में संस्कृत एज अ ट्रांसवर्स सब्जेक्ट, संस्कृत सीखने से मुझे ये कहना है कि संस्कृत शिक्षक ये क्यों नहीं बताते छाती ठोक के कि अगर आप संस्कृत के लिए आइए, अगर आप संस्कृत सीखते हैं तो आपके मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स 10% बढ़ जाएंगे। इस तरह की हम लोग अगर जो गारंटी देते हैं तो अनेक विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे और ये मार्क तो बढ़ेंगे ही। जब संस्कृत सीखते हैं तो ये तो बढ़ने वाले हैं, हम लोग ये नहीं बता रहे, ये मुझे लगता है अपने को अपने ही कर्तृत्व में कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है। मगर आज का जो आपने विषय लिया बहुत अच्छा विषय है, और आई होप you go ahead with at least 6 seminars on the same topic. Thank you very much. और उसके साथ आपकी जो टिप्पणियां इसमें होती है, आपकी जो प्रस्तावना भी होती है और बाद में जो टिप्पणियां होती है वो बहुत खास होती है, तो thank you very much. Please continue your good work. धन्यवाद
आनंद जी थैंक यू सर, बहुत सारे लोग जुड़ने चाहिए सर, अदर सब्जेक्ट्स के भी जुड़ने चाहिए इसमें। मुझे अपेक्षा तो थी लेकिन मैम बस ऐसे ही है सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है तो इसलिए चलो क्या उस विषय में कहा जा सकता है, लेकिन अभी कई संभावनाएं शेष हैं और मैं इस बात से सहमत हूं आनंद जी के कि इसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हम समस्या को सही सही परिभाषित नहीं कर पाए हैं, उसे ठोस नहीं बना पाए हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्या को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर लेते, बांध नहीं लेते, तो उसका समाधान हम ठीक नहीं कर पाएंगे। समस्याएं जब प्रगाढ़ होती हैं तो उसके समाधान जो है वो फिर कहीं समीप ही होते हैं। अगर हम समस्याओं को ही नहीं ठीक से पकड़ेंगे, उनको परिभाषित नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है फिर तो एक समय जो है वो निकलता जाता है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि और शायद किसी की कोई टिप्पणी इस वक्त शेष नहीं है, और आप सभी ने अपना फॉर्म भर दिया होगा, मैंने चैट बॉक्स में डाल रखा है, यदि नहीं है तो आप मुझे उसमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप सबके प्रति, आप सब ने अपना समय दिया, समय का योगदान दिया, वैचारिक योगदान दिया, और अपनी निश्चित रूप से इसमें शक्ति भी लगती ही है, तो उस सब के लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक, जैसा कि मैंने कहा था कि एक कविता जो टैगोर की मुझे हमेशा ही बहुत प्रभावित करती रही है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हेलो जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, वो चार पंक्तियां ये हैं, के लॉयबे मोरा कार्जो काहे शानदार रवि, सुनिया जगत रहे निरुत्तर छवि, माटिर प्रदीपो शीलो छे कहिलो श्यामी, आमार जेटुकु साधो करीबोता आमी। बंगला में है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। सांझ का समय है, सूर्य ढलने जा रहा है और सारा संसार उसके सामने खड़ा है, और सूरज उनसे पूछ रहा है कि मेरा कार्य कौन करेगा। तो उसमें से एक मिट्टी का दिया आगे आता है, माटिर प्रदीपो शीलो, एक मिट्टी का दिया आगे आता है और कहता है कि जेटुकु साधो करीबोता आमी। सारा संसार निरुत्तर खड़ा है लेकिन एक मिट्टी का दिया आगे आके कहता है कि मेरे से जितना हो सकेगा स्वामी उतना मैं अवश्य करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये हम सभी के लिए है, वो मिट्टी का दिया हम सभी बने, और मुझे लगता है कि उस मिट्टी के दिए से जितना प्रकाश दूर, जितना अंधकार दूर किया जा सकता है तो उतना तो हम प्रयास करें ही। तो पुनः फिर दोबारा हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे, और निश्चित ही आगे आने वाले जो हमारे वेबिनार्स हैं, चर्चाएं रहेंगी, वो नेशनल सिक्योरिटीज को लेकर के भी हैं और फूड सेंसिबिलिटी को लेकर के भी है, और भी बहुत सारे विषय हैं, विषयों की कोई सीमा नहीं है। मुझे तो लगता है कि रोज एक होना चाहिए लेकिन उतनी ना तो क्षमताएं होती हैं ना उतनी एनर्जीज होती हैं, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ता है, अन्यथा बहुत बहुत सारे, संस्कृत में तो मुझे लगता है कि अनंत विषय हैं, कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए टटोलेंगे जितना संभव होगा, इसको रोज कुछ ना कुछ नया टटोलने का प्रयास करेंगे, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके प्रति मेरा प्रणाम, आभार, धन्यवाद, और पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आप सब लोग मीटिंग अब छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये आशुतोष जी,